सब्सक्राइब करिए गुरुजी टेक्नोलॉजी को और बेल लाइट दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हेलो गाइज, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली गाइज, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने जियो फोन में नोटिफिकेशन लाइट को कैसे एनेबल कर सकते हैं। गाइज, इससे पहले अभी तक YouTube में कोई भी वीडियो नहीं बनाया गाइज, ये मेरी पहली वीडियो YouTube में। हम आपको बताएंगे कि क्या आप अपने जियो फोन में नोटिफिकेशन लाइट को एनेबल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं गाइज। आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। उससे पहले गाइज हम आपको बता देते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों नीचे लाकर का सब्सक्राइब बटन वाला के सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में बेल लाइट भी दबवा दीजिए। बेल लाइट दबाएंगे तो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा सबसे पहले, जिससे आप हमारे वीडियो देख पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम लाइक का एम से रख रहे हैं 1000 लाइक्स। हमको उम्मीद है कि आप 1000 लाइक्स को कंप्लीट कर देंगे। अगर नहीं कंप्लीट करें तो निबटने वाला के लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए गाइस। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देते हैं, मैं हूँ आयुष प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं गुरुजी टेक्नोलॉजी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, जैसे कि देख रहे हैं आप, आज की टॉपिक पे हमने ये वीडियो बनाया है कि जियो फोन की नोटिफिकेशन लाइट आप एनेबल कर सकते हैं या नहीं, ऑन कर सकते हैं या नहीं। तो हम गाइज आपको बता देते हैं कि जियो फोन में जब LED लगी रहती तब ऐसा ऑप्शन आ जाता कि आप नोटिफिकेशन लाइट को एनेबल कर सकते थे जब इसमें कहीं LED लगी हो। इस जियो फोन में तो कहीं पास भी LED नहीं लगी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पास कहीं भी लाइट नहीं लगी ऊपर नीचे, सिवाय आपको यहाँ पास एक फ्लैश मिल जाता है जो कि हम आपको दिखा देते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पास एक फ्लैश मिल जाता है और दूसरा चीज़ इसमें और कुछ नहीं मिल पाता, फ्लैश ही आपको दिया जाता है और फ्लैश के साथ यहाँ आपको और कोई ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। एक फ्लैश में आपको लाइट देखने के लिए मिल जाता है, एक आपको कीबोर्ड में लाइट मिल जाता है, लाइट कीबोर्ड में आपको LED लाइट मिल जाती है और अदरवाइज यहाँ पास कहीं भी लाइट आपको नहीं दिखाई देती आगे पीछे, सिवाय आपको फ्लैश के या कीबोर्ड के है। यहाँ पास कोई अदर लाइट होती, LED लगी रहती तो अपन को नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता, पर ऐसा नहीं है। जियो फोन में यहाँ पर कहीं भी लाइट नहीं मिली है, पर फ्यूचर्स में ऐसा अपडेट आ सकता है कीबोर्ड की लाइट के ऊपर, क्योंकि कीबोर्ड में आप जैसे देख रहे हैं लाइट लगी है इसमें जल रही है, तो शायद तो फ्यूचर में भी ऐसा अपडेट आ जाएगा कि आपको कोई भी मैसेज या व्हाट्सएप का मैसेज या कॉल मैसेज कोई सही मैसेज आ रहा है तो आपकी कीबोर्ड की लाइट जलेगी, कीबोर्ड की लाइट जलेगी नोटिफिकेशन की लाइट के तरह कीबोर्ड का इसे यूज़ किया जाएगा। गाइस जैसे कि देख रहे हैं जियो फोन में अभी तक ऐसा अपडेट नहीं आया है कि जियो फोन में नोटिफिकेशन लाइट आप ऑन कर सकते हैं गाइस, और फ्यूचर्स में ऐसा अपडेट आ सकता है कीबोर्ड की लाइट के ऊपर, क्योंकि कीबोर्ड की लाइट ही है जो नोटिफिकेशन आगे जाके फ्यूचर्स में कीबोर्ड की लाइट के ऊपर आ सकता है नोटिफिकेशन, जिसमें आपका व्हाट्सएप या फेसबुक या अदर का कोई सा भी मैसेज आता है तो आपकी कीबोर्ड की लाइट आपकी चालू हो गई, तो नोटिफिकेशन लाइट इसकी कीबोर्ड की लाइट हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हमने आपको यही बताया है कि जियो फोन में अभी तक नोटिफिकेशन के लाइट एनेबल करने का ऑप्शन नहीं आया है और फ्यूचर्स में आ सकता है गाइस। फ्यूचर में आने के लिए जैसे ना आएगा तो हम आपको सबसे पहले अपडेट देंगे, जियो फोन का हर अपडेट हम आपको सबसे पहले ला के देते हैं। कुछ दिन से हम अपनी वीडियो नहीं बना पाए थे तो अब से कंटिन्यू हमारी वीडियो बनेगी, तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए और नीचे से लाइक का बटन वाले का लाइक कर दीजिए, उसके बगल में सब्सक्राइब बटन है सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आईडी दबा दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।